हम तो दादा सुराण तो जाना है इसने कद देते इसकी बताओ बड़े बूढ़े के रोटी लेकर आ था यो खेत में जा था आवाज आई थी इसने हड़ जवारा धरकर रोटी धरकर साधु हो गया। साधु हो गया ये बताओ है बाबा भालपुरी का नाम तो यो बेगो है तप्या है जागे फिर जान पट्टी है बाबा भालपुरी का नाम तो बेगो तप है इसकी मानता चालू होगी बड़े बूढ़े मान्या करते इसने मानते मानते बड़िया ने भी अपना संघर्ष जो होया वो करया मंदिर बनाया ईब अगली तक की आई है इन भी बहुत कुछ कर दिया जंगल पड़िया था कीकर झाड़ वो जड़े थे बहुत गणे सब कटुआ पटुआ के बढ़िया धाम बना दिया हम तो बचपन तो भगत सा बहुत चीज बैठी हाड़ जो है अगर दादा सरायण जो देवता मन है वह चीज बैठी है कई बार बिचासी ओडा हमने दिया। ये तालाब की क्या विशेषता है? तालाब कभी से है ये जब से सरू से ही तालाब है मैच मैच पिया करती जब तो पाली रहा करती पाली भी कम हो रही है डांगर डूंगर कमाओ है कब कदे तो है कदी में है तालाब यो। अच्छा ये तालाब में स्नान भी करते हैं? तालाब में स्नान भी करने वाला करते हैं। नमस्कार जी मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ यहाँ मंदिर में जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो यहाँ टेंट लगे हुए हैं और कल यहाँ पे भंडारा होने वाला है। आइए करते हैं इनसे बातचीत। डिगल गांव का ये दृश्य है जहाँ पे बाबा शौरान के मंदिर का है ये और शौरान परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। आइए करते हैं इनसे बातचीत। क्या नाम है? संदीप भाई। जो ये कल भंडारा किया जा रहा है इसमें क्या क्या बनाया जा रहा है और किस चीज़ का भंडारा है? दादा सरण का जन्मदिन पर देसी घी की बूंदी बनेगी। हाँ भाई विट्टा घी लगा रखा है। बिल्कुल विट्टा घी लगा रखा है भाई। दादा सरण का जन्मदिन है कल। ये आई साल किया जाता है कि पहली बार किया जा रहा है? नहीं भाई हर साल हो गया। हर साल भंडारा किया जाता है? हाँ कितने बड़े स्तर पर भंडारा किया जा रहा है? पूरे काम का भाई काम को वाट का पूरा। नरेंद्र भाई को भंडारा किया जा रहा है जैसा कि संदीप भाई के द्वारा बताया गया कि काफी बड़े स्तर पर भंडारा किया गया है और गाँव और गाँव आने सुबह आने वाला है क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई सब वो है हमें आदर कर रहे हैं वो और पूरे गाँव का गाँव आने काम कर रहे हैं और ये हमारा पूरा जो परिवार है उनकी तरफ से है सबकी तरफ से हमारा पूरा जो पुराण परिवार है वो सभी इस भंडारे में शामिल हैं और हमने पूरे गांव का ढूंढ कराया है। ये हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके टाइम से होता रहा है। ये जो भंडारा है इसकी जहाँ होने वाला है इसकी लोकेशन क्या है? ये है भाई नहर के पास मतलब नई गुफा से आगे नहर के पास है पुराण परिवार का दौड़ है पुराना मंदिर है बहुत साल पुराना मंदिर है और हमारा सारा परिवार इसकी पूरी मान्यता है हमारी भाई हमारे हम तो जब से हैं देखते आ रहे हैं लेकिन 200-250 साल पुराना बता रहे हैं पहले छोटा था अभी बड़ा हो गया अंदर अभी करवाया नहीं अब तो 2-3 साल पहले दादा की जो पहले मूर्ति थी वैसी थी अब हमने वो प्रतिमा बनवाई है जो पिछले साल स्थापित करी थी। क्या नाम जी? लकी राम जी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? परिवार सारा मिल के जिधर इसको कर रहे हैं और गाँव से कोई चिंता नहीं हमारा परिवार कोई वैसे देना चाहता हो यहाँ पे जो मूर्ति की स्थापना की गई है उसके जैसे बाबा जी का क्या नाम है? दादा शोरान का और पापा लक्की राम पिछले साल ही स्थापित भंडारा पहले भी किया जाता था घंटा दौर अभी बुझले है बड़े